हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम आ चुके हैं इस रोड पे अपने पंच का ऑफ रोडिंग स्टेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। और इस वीडियो में हम लोगों ने रिवर्स में भी पंच का ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को चेक किया है, तो वीडियो में बने रहें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं काफ़ी फंसने वाला रास्ता है, तो हम इस तरफ से नहीं जाएंगे, हम साइड से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा भी ऑफ रोडिंग टेस्ट नहीं करना है कि हमारी गाड़ी फंस जाए। तो गाइस, यहाँ पे साइड से निकालते हैं। ओ, इधर भी काफ़ी ऊंचा रास्ता है, तो यहाँ हमें उतर के ही चेक करना होगा। तो गाइस, इस तरफ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ से भी थोड़ा ऊँचा रास्ता है, तो हम यहाँ चढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी पंच इजिली ऊपर चढ़ गई। और अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट का वीडियो देखना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, उधर से आने टाइम तो मैं साइड से आ गया, लेकिन अब जाऊंगा मैं इसी रास्ते से। तो गाइज, अब हम थोड़ा रिवर्स गियर में भी इस रोड पे गाड़ी को चला कर टेस्ट करते हैं, देखेंगे कि रिवर्स गियर में कितना पावर है। तो गाइस, इसका तो थार जैसा ऑफ रोडिंग नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा ऑफ रोडिंग इस टाइप का अगर आप रोड पे अगर जाएंगे तो गाड़ी फंसेगी नहीं, ये तो कंफर्म है। कहीं से भी चढ़ाने उतारने में काफ़ी कैपेबल है ये कार। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए टाटा पंच से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।